नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पूरे अक्टूबर महीने का नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। बहुत दिन हो चुका है, हमने एक भी लेक्चर जो है अक्टूबर महीने से लेकर अब तक का नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर का वीडियो एनालिसिस नहीं किया है। सेप्टेम्बर महीने का पूरा कम्प्लीट हो चुका था, इसके अलावा अगस्त महीने का अगर आप देखोगे तो वो बचा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस महीने का भी जल्द से जल्द करा दूँ। अगर वीडियो के माध्यम से ना हो पाए तो इसका PDF कम से कम मैं अवेलेबल करा दूँ, ये पूरी कोशिश रहेगा। अक्टूबर महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के इस वीडियो में कवर होगा और इसके बाद आने वाले 2-3 दिनों में आपका नवंबर महीने का भी एक साथ जो वीडियो है वो उपलब्ध हो जाएगा बहुत जल्द इसी चैनल पर। ठीक है, इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर PDF अवेलेबल हो जाता है, तो वहां से आप लोग जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए सबसे पहले सितंबर वाले महीने में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर अभी तक आपने सितंबर महीने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी कवर कर लीजिएगा और उस आधार पर इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। आंसर जो है इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ट्राई जरूर करेंगे। क्लियर है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, ठीक, आंसर करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का एयर चीफ मार्शल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, इस क्वेश्चन का भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपके सामने ऑप्शन रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर कीजिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किन है G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? पिछले लेक्चर में हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है, तो आपको कोई अगर पिछला वीडियो देख लिए तो इनका आंसर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक, चलिए अब हम आज के इस लेक्चर में एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी टॉपिक्स एनालिसिस करेंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो अगर हम एक साथ एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कुछ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा, भरोसा रखिए और सारे टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे। जितने पॉइंट्स को बता रहा हूँ खासकर उतने पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से करके जाएंगे। क्लियर है, पहला टॉपिक है, अमित खरे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हाल ही में सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यह अमित खरे कौन है, कब इनका अपॉइंटमेंट किया गया, कुछ बेसिक पॉइंट को यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप ये याद रखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है, तो नाम याद रखिएगा अमित खरे का। अमित खरे कौन है, तो पूर्व उच्च शिक्षा सचिव है यानी कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो मंत्रालय कार्य करता है उसके ये सचिव रह चुके हैं। और जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अमित खरे का नाम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही चर्चित नाम है। 12 अक्टूबर 2021 को इन्हें जो है सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। सितंबर 2021 के महीने में IAS के पद से ये रिटायर हो चुके हैं। ये झारखंड कैडर के 1985 बैच के जो हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और उन्हें एक एग्रीमेंट के आधार पर जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है और इनकी जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्षों के लिए होगा। तो बस अमित खरे के बारे में आपको इतना याद रखने की आवश्यकता है। अगला जो टॉपिक है, हाल ही में आपको पता है कि COVID-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई। खबर ये थी कि अब बच्चों में भी वैक्सीन लगाया जाएगा जिसका अप्रूवल दिया गया है किसके द्वारा, आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को। तो नाम याद रखिएगा किस वैक्सीन को बच्चों में लगाने के लिए मंजूरी दी गई है। तो आपसे ऑप्शन में कोवैक्सीन का नाम दिया जा सकता है, कोविशील्ड का नाम दिया जा सकता है, 2-3 ऑप्शन और दिया जा सकता है। तो भारत में खासकर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में किससे अप्रूव किया गया है, तो ये कोवैक्सीन को अप्रूव किया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने 2 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों में भारत बायोटेक
और ICMR की मदद से जो बनाया गया था कोवैक्सीन, उसे आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। बच्चों का ये याद रखिएगा, 2 से 18 वर्ष, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जो मंजूरी दी गई है, यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इस सिफारिश को भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि DGCI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत हद तक न्यूज़ में जो है, जब से COVID-19 शुरू हुआ है, DGCI भी बहुत न्यूज़ में रहा है, तो इसे भी हम देखेंगे कि आखिर ये DGCI है क्या। लेकिन उससे पहले हम कोवैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। कोवैक्सीन का कोड नेम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक कोई एग्ज़ाम था, पता नहीं एग्ज़ाम का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ पर कोवैक्सीन का कोड पूछा गया था, तो इसका कोड है VB V152, नाम याद रखिएगा। यह एक निष्क्रिय वायरस आधारित COVID-19 वैक्सीन है। अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो कोरोना वायरस को ही मारकर उसमें मिलाया गया है और वही जो है वैक्सीन आपको लगाया जा रहा है। और इसे भारत बायोटेक तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो है डेवलप किया गया है। हम बात कर रहे थे DGCI के बारे में, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, तो भारतीय दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मान नियंत्रण संगठन यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है क्या, DGCI। सिंपल वर्ड में कहूँ तो कोई भी दवा आप खाते हो, जब तक DGCI अप्रूव नहीं करेगा वो दवा मार्केट में नहीं आएगा, वो दवा आप तक नहीं पहुँचेगा। तो ये सिंपल से वर्ड में समझ लेना कि DGCI का रोल है क्या। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत, कहने का मतलब है कि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, यानी कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो इसे इस्टैब्लिश जो है 1940 में एक एक्ट के तहत किया गया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है अभी वर्तमान समय, तो डॉक्टर VG सोमानी इसके प्रमुख है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तैयार रहिएगा। अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। यह जो पासपोर्ट से रिलेटेड इंडेक्स है, ये बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट जो है वो सबसे मजबूत पासपोर्ट है। सबसे मजबूत पासपोर्ट का अर्थ यह हुआ कि अगर मान लो आपके पास में भारत का पासपोर्ट है, भारत गणराज्य का, तो कौन से कितने देशों में उस पासपोर्ट के आधार पर आप बिना वीज़ा के तहत जा सकते हो, तो वो बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। तो और इस आधार पे इंडेक्स कौन जारी करता है, हेनले एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम जानेंगे, यह जारी करता है। और इसके अनुसार भारत किस स्थिति पे, यहाँ पर हम देखेंगे, और दुनिया के टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं इस इंडेक्स के अनुसार, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया, जिसमें 2020 के सूचकांक की तुलना में भारत की रैंक में 6 स्थानों का जो है वो गिरावट दर्ज किया गया है, यानी कि पहले ज़्यादा बेहतर था, अभी 6 स्थान का नुकसान हुआ है। इस वर्ष जो भारत की रैंकिंग है, याद रखिएगा रैंकिंग डायरेक्ट पूछा जाता है, वो 19th है, यानी कि 90 रैंक पे है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट है, यानी कि ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट के रूप में अंकित किया जाता है हेनले के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि देखा जाता है कि कौन से पासपोर्ट से आप वीज़ा फ्री सबसे अधिक कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। इस साल जापान और सिंगापुर टॉप है, यानी कि दोनों का जो रैंक है वो फर्स्ट है। टोटल जो है अगर हम इनकी बात करें तो 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, यानी कि बिना वीज़ा के तहत। कहने का मतलब ये है कि लोगों को, यानी कि एक कंट्री को जापान के ऊपर में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है कि अगर जापान के लोग बिना वीज़ा के आते हैं तो उनसे उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। बात यहाँ पर मेन सिक्योरिटी की आ जाती है। जापान लगातार तीसरे वर्ष इस इंडेक्स के अनुसार पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया और जर्मनी संयुक्त रूप से है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और पाकिस्तान सबसे कम शक्तिशाली देशों में से हैं और इस इंडेक्स के अनुसार भी ये सबसे नीचे है। तो इनका एग्जांपल देखकर आप समझ गए होंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आखिर है क्या। तो अफगानिस्तान बहुत ही खतरनाक देश है, टेररिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सीरिया में भी वही हालत है, इराक में भी वही हालत है, पाकिस्तान में भी वही हालत है, तो कोई भी कंट्री बिना वीज़ा का पाकिस्तान के लोगों को अपने यहाँ आने क्यों देगा। तो इस इंडेक्स के अनुसार ये कंट्रीज़ जो हैं सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज़ में से हैं। और यह इंडेक्स जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
के आंकड़े के आधार पर जारी किया जाता है। अब हिनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हिनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि एक वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म है। कौन? हिनले एंड पार्टनर्स, ठीक है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इनमें 199 पासपोर्ट्स और 227 गंतव्य को निर्धारित किया जाता है, यानी कि 199 जो भी कंट्रीज हैं उनके पासपोर्ट्स हैं, इतने को कवर किया जाता है। 2006 में पहली बार इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर शायद मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ कि आप लोगों को हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में समझ आ गया होगा। इंडिया की रैंकिंग भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर हम इंडिया के स्कोर की बात करें तो आउट ऑफ 158 स्कोर इंडिया को मिला है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में से। ठीक, अगला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जितना स्टार लगाना चाहें, मोस्ट लगाना चाहें, लगा ले। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अभी वर्तमान समय में महारत्न कंपनी कितने हैं, इसको अगर छोड़ दें तो 10, और ये अगर आ जाता है तो हो गया 11। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वो होगा 11। कौन कौन से कंपनी, हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक, महारत्न की श्रेणी में प्रवेश करने वाला भारत की यह 11वीं PSU कंपनी है। PFC की अगर हम बात करें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार के वित्त पोषण की एजेंडे और 2030 तक 40% ग्रीन एनर्जी लक्ष्य को हासिल करने में यह सक्षम होगा यह कंपनी, यानी कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ये अपनी दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहा है गवर्नमेंट के एक PSU के रूप में है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि क्या कैटेगरी होता है कि अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अर्जित किया, शुद्ध लाभ अर्जित किया हो लगातार 3 वर्षों तक। इसके अलावा इसका जो वार्षिक कारोबार है, यानी कि लगातार 3 वर्षों तक इसका जो वार्षिक टोटल कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, तब उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। 2 पॉइंट पे याद रखिएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 1986 से नियमित किया गया था, इसे कार्य कर रहा है। यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भारत में विद्युत क्षेत्र का वित्तीय रीढ़ है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, अगर किसी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल देखरेख की ज़रूरत है, तो वो इसके तरफ से किया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि पावर सेक्टर में यह जो है वो फाइनेंस का रीढ़ है उन कंपनियों का। 30 सितंबर 2018 को इसकी कुल संपत्ति जो है 18 के अकॉर्डिंग 383 अरब रुपए का है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का, याद रखिएगा। अब ये जो है आपके 10 महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है, एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 11वां हो गया। 2019 में 2 कंपनी को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों कंपनियों को 2019 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था। अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप देखोगे या ओनडे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें देखोगे तो रैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और रैंकिंग से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितने भी हम रैंकिंग को या फिर जितने भी इंडेक्स को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक आ जाता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। कहने का मतलब यह है कि यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। सबसे पहले पॉइंट पे आप यह ध्यान रखिएगा कि इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, और ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 2 एजेंसी है जो संयुक्त रूप से मिलकर इस इंडेक्स को जारी करती है। इस सूचकांक में 109 देशों और 5.9 अरब लोगों के डेटा का आकलन करता है, या फिर इस वर्ष इतने लोगों के डेटा का आकलन किया गया है इस इंडेक्स में। अगले पॉइंट पे हम देखें तो वैश्विक डेटा, देखो इस इंडेक्स में या फिर इस रिपोर्ट में रैंकिंग रिलीज नहीं किया जाता कि कौन से देश कौन से स्थान पर है,
बल्कि एक ओवरऑल डेटा दिया जाता है, बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट या फिर ये कंट्री ऐसी स्थिति में है। तो सबसे पहले अगर हम वैश्विक डेटा की तरफ जाएं तो 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में है, यानी कि बद से बदतर आप गरीबी रेखा वाला कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं क्या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो उस स्थिति में आ जाता है आपका बहुआयामी गरीबी। इसमें से लगभग आधे, अगर हम जितना ये नंबर है 1.3 अरब का यानी कि 1.3 बिलियन का, तो इसमें से 644 मिलियन अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं। तो इसमें जो 644 मिलियन है, ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, यानी कि वो बच्चे हैं। और इसमें से लगभग 85% उप सहारा अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आते हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा इसी में आ जाता है साउथ एशिया, जहां पर 5.56 मिलियन बच्चे जो हैं वो साउथ एशिया, जहां पर 5.56 बच्चे जो हैं वो उप सहारा अफ्रीका, और 5.32 साउथ एशिया। साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ये इतने मिलियन बच्चे हैं, और ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट कर लें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो खासकर साउथ सहारा अफ्रीका वाला एरिया आ गया वो, और साउथ एशिया वाला एरिया जहाँ पर मेजोरिटी में गरीबी निवास करते हैं। 67% से अधिक मध्यम आय वाले कंट्रीज़ में जो है वो गरीबों की स्थिति देखी गई है। अगर हम भारत को अलग से देखें कि इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या था, तो 5 कैटेगरी में भारत के गरीबों को रेखांकित किया गया है, यानी कि उनका आंकड़ा रिलीज किया गया है। 5 निचली जनजातियों से है अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है शेड्यूल ट्राइब समूह का 9.4 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो ये समूह 33.3 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के कैटेगरी में रहते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास समूह की अगर हम बात करें तो 27.2% जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैटेगरी में रहते हैं। और भारत में लगभग 12% जनसंख्या महिला प्रधान परिवारों में रहती हैं, और ये भी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये 12%। ठीक है, तो इस तरह से भारत की स्थिति भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इस इंडेक्स को कैसे रिलीज किया जाता है, तो इस इंडेक्स में अगर हम टोटल बात करें तो 10 इंडिकेटर्स होते हैं। ये 10 इंडिकेटर्स इस तरह से होते हैं, और अगर इस 10 इंडिकेटर्स की हम बात करें तो 3 डायमेंशंस में इसे जो है कवर किया गया। पहला डायमेंशंस क्या है, हेल्थ। हेल्थ में 2 इंडिकेटर्स हैं, पहला न्यूट्रिशन है और चाइल्ड मोर्टैलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर। और दूसरा अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये आपका इसमें 2 इंडिकेटर्स हैं। और इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड में आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आपका आ जाता है इंडिकेटर्स। तो इन इंडिकेटर्स और 3 डायमेंशंस के आधार पे जो है इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। क्लियर है? अब ये यहां से आपसे एक क्वेश्चन तो बनता है, मैक्सिमम चांसेस है कि यहां से आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही। टॉपिक क्या है, नोबेल पुरस्कार 2021 हाल ही में अनाउंस किया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में 2-4 पॉइंट्स देख लेते हैं। तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से वर्ष 1895 में 5 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। ठीक है, रसायन, कौन कौन सा वो 5 कैटेगरी था, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी मेडिसिन पुरस्कार। ठीक है, और पहली बार ये पुरस्कार कब वितरित किए गए, तो 1901 में किए गए। अब इसमें अर्थशास्त्र का एक जो क्षेत्र है वो बाद में जोड़ा गया, और इस सम्मान को 1901 से लेकर अब तक 608 बार जो है वो वितरित किया जा चुका है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में किन्हें किन्हें सम्मान मिला और इनका योगदान किस प्रकार से रहा। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, नाम क्या है, स्युकुरो मानेवे और क्लाउस हैसलमैन, और तीसरा नाम है जियोर्जिया पेरिसिक। ये तीनों को जो है संयुक्त रूप से इन्हें जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। योगदान क्या है, तो पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग में भविष्यवाणी करते हुए इन्होंने जो रिसर्च किया उसके लिए जो है इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ इनके नामों को आप बेहतर तरीके से और फिर इनके योगदान को जो है पढ़कर जाएंगे। अगर हम केमिस्ट्री कैटेगरी में बात करें तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, इनका योगदान क्या है। तो रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट और डेविड
मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला कैटेगरी हम देखें तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दवाई वाला क्षेत्र इसे कह सकते हैं, मेडिसिन वाला क्षेत्र, तो किन्हें मिला है? डेविड जूलियस और आडियम पटापाउटियन को। किसके लिए मिला है? तो डेविड जूलियस और आडियम पटापाउटियन को जो है तापमान और स्पर्श के लिए, रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 से सम्मानित किया गया। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पूछा जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया, रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया, मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया। अगर सेकेंडरी पे आप याद रखेंगे तो किस योगदान के लिए दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर हम शांति या फिर पीस की बात करें तो किसे दिया गया है? मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। ठीक है, इनका योगदान क्या है? तो शांति में मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव जो है लोकतंत्र को स्थायी शांति के लिए एक पूर्व सत्र के तौर पर अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया, बेहतरीन रिसर्च किया है, इसीलिए जो है इन्हें वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अब्दुल रज्जाक गुमराह को जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। योगदान क्या है? तो अब्दुल रज्जाक गुमराह को उनके उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के महाद्वीपों के बीच खाई को जो है पाटने का काम, और शरणार्थी जो होते हैं, जो माइग्रेंट्स लोग होते हैं, उनके लिए इन्होंने काम किया, उनके ऊपर इन्होंने बेहतरीन लेखन किया, इसके लिए जो है इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? तो डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस, इन तीनों को जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों स्कॉलर्स ने लेबर मार्केट इफेक्ट, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के कॉज एंड इफेक्ट्स में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं, यानी कि इस क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, इसलिए इन्हें जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा, एक न एक क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है पीएम गति शक्ति योजना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति। कब लॉन्च किया गया, डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 13 अक्टूबर 2021 को। तो यह क्या है? एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है। किस लिए लॉन्च किया गया है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गति शक्ति योजना की घोषणा जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि कब किया गया था, तो स्वतंत्रता दिवस 2021 यानी कि 15 अगस्त 2021 पर किया गया था। और यह मास्टर प्लान एक ही मंच पर 16 मंत्रालय और कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है एक में लाएगा। 16 मंत्रालय कहने का मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है तो आपको अलग अलग मंत्रालय से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको जाना पड़ेगा। तो इस पीएम गति शक्ति यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के तहत में एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जल्दी से सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर अलग अलग मंत्रालय में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि विकास का जो कार्य है वो तेज़ी से किया जा सके। तो इसीलिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और ये जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की एक रूपरेखा है। और इसका उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नींव है और अर्थव्यवस्था में इंटीग्रेटेड स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर प्रॉपर तरीके से उस पर काम हो सके, जल्दी अप्रूवल मिल सके, इन्हीं सब उद्देश्य के साथ में पीएम गति शक्ति योजना शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया याद रखिएगा, किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया याद रखिएगा, और कितने मंत्रालय के कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है इसके तहत में वो याद रखिएगा। यहाँ से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कब शुरू किया गया ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये क्या है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को, डेट याद रखिएगा, इंडियन स्पेस एसोसिएशन को डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया। अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है अंतरिक्ष और उपग्रह यानी कि सैटेलाइट वाली जो प्रमुख कंपनियों का एक जो है उद्योग संघ है। अगर मान लो कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड छोटे छोटे बहुत सारे कंपनी हैं, और इन सब कंपनियों को रेगुलेट कौन करेगा, तो आप
कह सकते हो कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन करेगा। क्लियर बात समझ आ गई। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन से हैं? इस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में है टाटा समूह है, भारतीय एयरटेल है, लार्सन एंड टूर्बो है, मैप माई इंडिया है, वन वेब है और बाल चंद नगर इंडस्ट्री और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कुछ इसके संस्थापक कंपनियों में से। और इसे इसलिए किया गया है, लॉन्च किया गया है या फिर इस संस्था को, एसोसिएशन को इसलिए बनाया गया है ताकि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो भी कार्य किए जाते हैं उसे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा सके और उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन कंपनीज जो हैं उनकी जो संचालन है इसके तहत में बेहतरीन ढंग से किया जा सके। ठीक, अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के कार्य के ऊपर में हम देखें तो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज़ बनने की, जैसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में आपको अलग अलग तरीके से समझाया, एक शब्द में अगर समझोगे तो जो इंडस्ट्रीज स्पेस इंडस्ट्रीज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें उनकी सामूहिक आवाज़ जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन उठाएगा। और यह भारत के अंतरिक्ष उद्योग में 2019 की अगर हम बात करें तो 7 बिलियन का योगदान दिया है जो कि दुनिया के टोटल स्पेस इंडस्ट्रीज का 2% है और ये बहुत बड़ी बात है अभी शुरुआती दौर में ही। ठीक, तो आने वाले समय में स्पेस इंडस्ट्री कितना बड़ा होने वाला है इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। साइंस एंड टेक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस वर्ष जो है टोटल 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च के 80वें संस्थापना दिवस पर जो है इस एजेंसी के द्वारा 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हर साल वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कौन कौन से कैटेगरी में किन्हें जो है सम्मानित किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है और यहाँ के जैविक विज्ञान श्रेणी में यानी कि बायोसाइंस कैटेगरी में अमित सिंह को सम्मानित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के यानी कि IIT कानपुर के जैविक विज्ञान वर्ग में ही अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। रसायन विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास या बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत है। कुल कितने लोगों को दिया गया है ये जरूर याद रखिएगा। अगर आप ज़्यादा याद रख सकते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में किन्हें दिया गया है याद रखिएगा। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में भी पढ़कर जाइएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। रसायन विज्ञान की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च के बेंगलुरु के डॉक्टर TV गोविंद राज को भी इस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनोय कुमार को दिया गया है। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। गणित विज्ञान में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर जीमन पणियमनकल को दिया गया है और डॉक्टर रोहित श्रीवास को भी दिया गया है। और इसके अलावा भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। कुल याद रखिएगा, जहाँ तक चांसेस है मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो कुल पूछा जाएगा या तो फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा जा सकता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नामकरण जो है CSIR के संस्थापक कौन है? स्वर्गीय शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर किया गया है। ये पहले संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अब हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की बात करें तो CSIR जो है अखिल भारतीय स्तर पर 38 इसके लैबोरेटरीज हैं, 39 इसके दूर दराज अंचल क्षेत्रों में सेंटर्स हैं और 3 इनोवेटिव जो है परिसर है और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क है। स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था। हेडक्वार्टर मेन कहाँ है? इसका नई दिल्ली में है और CSIR जो है वो साइंस एंड टेक मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करता है। क्लियर, इतनी बात को आप याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा 2007 में किया गया था। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर अब प्रत्येक वर्ष लोगों को अहिंसा को अपनाने के लिए, अहिंसा परमो धर्म को अपनाने के लिए जो है
वो अहिंसा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जागरूकता फैलाया जाता है शिक्षा के माध्यम से कि आप अहिंसा को अपनाएं। अगला जो टॉपिक है वो है दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है। 2 अक्टूबर 2021 को लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का उद्घाटन किया गया, जो कि यह पूरी तरह से खादी से बना हुआ था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने स्मारक खादी राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। यह झंडा करीब, इसकी लंबाई और चौड़ाई याद रखिएगा, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था और इसका वजन करीब 1400 किलोग्राम का था। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें किसका, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो यह जो है एक एक्ट के तहत में बनाया गया था 1956। एक सांवैधानिक निकाय है यानी कि स्टैचुटरी बॉडी है, पार्लियामेंट में प्रॉपर बिल पास हुआ, बिल पास के बाद यह एक्ट बना और एक्ट के बाद इस कमीशन का जो है निर्माण किया गया। और यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। पेंडोरा पेपर लीक, हमने बहुत सुना था अक्टूबर के महीने में पेंडोरा पेपर लीक हुआ है, इतने भारतीयों का नाम सामने आया है, इतने काले धन जो है भारत से बाहर छिपाए गए हैं, ऐसा हमने सुना था। अब पेंडोरा पेपर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ उतने पॉइंट्स को खासकर आपको ध्यान रखना होगा। तो हाल ही में पेंडोरा पेपर्स लीक के कई प्रमुख भारतीयों के नाम सामने आए, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े नाम भी सामने आए। पेंडोरा पेपर लीक में 300 से अधिक भारतीय के नाम इस वर्ष शामिल हैं 2021 में, जिसमें से 60 से अधिक प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। तो यह खुलासा किसने किया है, तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और इस पेंडोरा पेपर के तहत में इन्होंने यह खुलासा किया है इस एजेंसी ने। अब पेंडोरा पेपर्स की अगर हम बात करें, तो पेंडोरा पेपर्स ने अब तक जितने भी पेपर्स लीक हुए हैं, चाहे आप पनामा पेपर की बात कर लो, एक पैराडाइज पेपर लीक हुआ था उसकी बात कर लो, उन सबसे कहीं ज़्यादा है पेंडोरा पेपर्स का वेटेज। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स 64 लाख के आसपास में इसमें डॉक्यूमेंट्स थे, 29 लाख के आसपास इसमें इमेजेस थे, 12 लाख के आसपास इसमें मेल्स थे। और अगर हम बात करें तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में, अगर टोटल हम इसकी बात करें, अगर हम टोटल इस डॉक्यूमेंट के डेटा की बात करें तो 2.94 TB का डेटा था इसमें जो लीक हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डेटा लीक हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें, पैराडाइज पेपर्स 2017 में लीक हुआ था, उसका साइज 1.4 TB था। पनामा पेपर 2016 में लीक हुआ था, इसका 2.6 TB का जो है वो डेटा था। अब 2.94 TB का जो डेटा है वो पेंडोरा पेपर्स का है, ठीक है। तो पेंडोरा पेपर्स आखिर है क्या, तो पेंडोरा पेपर्स लीक दुनिया भर में करीब 12 मिलियन 1.20 दस्तावेजों का दिन रात खंगालने के बाद दुनिया भर में चल रही पैसों के लेन देन और हेरा फेरी से लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। पेंडोरा पेपर्स का मुख्य कार्य ऐसा ही है, जैसे पनामा पेपर आया वो भी यही कार्य करता था, और इसके अलावा आपने एक पैराडाइज पेपर वो भी इसी क्षेत्र में कार्य करता था। और एक ऐसा लीक है जो छिपी हुई संपत्ति, मतलब मान लो कि आपके पास में कुछ काला धन है, आपने उसे कहीं छिपा कर रखा, दूसरे देशों के बैंक में जमा कर रखा, तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट को खंगालने का काम पेंडोरा पेपर्स लीक द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के पहले मलेरिया वैक्सीन को इसने अप्रूवल दिया है। कब दिया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 अक्टूबर 2021 को इस वैक्सीन का नाम, याद रखिएगा इस वैक्सीन का नाम आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है, वैक्सीन का नाम है RTS,S/AS01। नाम याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये मलेरिया की वैक्सीन को हाल ही में मंजूरी दी गई है। मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ दुनिया का यह पहला टीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम तो खासकर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद करके जाइएगा कि हाल ही में जो है मलेरिया का पहला वैक्सीन किसके द्वारा, WHO द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, और अफ्रीकन कंट्रीज में इस वैक्सीन को लगाने की शुरुआत की गई है। और एक आंकड़ों के अनुसार एक साल में लगभग 4 लाख लोगों की मलेरिया से जान चली जाती है, ये भी याद रखिएगा। और अधिकांश मौतों पर जो रिपोर्ट किया जाता है वो अफ्रीकन बच्चों में किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें इस वैक्सीन की, तो शुरू डेवलप किया गया था कब,
इसे डेवलप किया गया 1987 में। फर्स्ट फेज का जो ट्रायल है, सेकंड फेज का जो ट्रायल है वो 2003 में हुआ। उसके बाद 2009 और 14 के बीच में थर्ड फेज का ट्रायल हुआ। उसके बाद 2015 में इसे एक एजेंसी के द्वारा और अप्रूव किया गया और 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अप्रूव किया और अब फाइनली जो है इसका अप्रूवल मिल गया है कि अब इसे आप लगा सकते हैं पूरी तरह से सेफ है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना लंबा प्रोसेस होता है एक वैक्सीन को डेवलप करने का। जब आप देखोगे पोलियो की वैक्सीन को भी डेवलप करने में लगभग 25-30 सालों का वक्त लगा था और एक COVID-19 का वैक्सीन है जो इतना जल्दी उसे फाइनल कर लिया गया है, तो ये भी वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ी जो है वो उपलब्धि है। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है, 7 नई कंपनियों को रक्षा क्षेत्र से जुड़ी ये कंपनियां हैं, इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया है। एक कंपनी कार्य किया करती थी रक्षा के क्षेत्र में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसी के तहत में जो भी है इक्विपमेंट्स जो बनाए जाते थे रक्षा के क्षेत्र से जुड़े, इसी कंपनी के अंडर में बनाया जाता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब इसे जो है भंग कर दिया गया है और इसे भंग करके 7 कंपनी बनाया गया है जिसका नाम है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, तीसरा है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, फिर टुप्स कंफर्ट्स लिमिटेड और इसके अलावा यंत्र इंडिया लिमिटेड, फिर है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और इसके बाद है ग्लिडर्स इंडिया लिमिटेड GIL। तो इस तरह से टोटल जो है 7 कंपनियां बनाया गया ताकि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके और इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में अलग अलग रिसर्च हो और अलग अलग वेपन्स जो हैं इन कंपनियों के माध्यम से बने और सरलता से बने। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कितनी कंपनियों को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है, कितनी कंपनियों को शुरू किया गया है या फिर किसे भंग करके किया गया है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करके इन 7 कंपनियों का निर्माण किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड है। क्या है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा एक भारी बहुमत से 14 अक्टूबर 2021 को भारत को वर्ष 2022 से लेकर 24 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए फिर से निर्वाचित कर दिया। कहने का मतलब है कि इस काल तक 2022 से लेकर 24 तक 2 सालों तक के लिए भारत जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का फिर से सदस्य होगा और यह फैसला संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र में लिया गया है। ठीक, अब भारत जो है 193 सदस्यों का वोटिंग हुआ था जिसमें भारत को जो है 184 मत मिला और भारत वर्तमान में भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य है और जिसकी सदस्यता जो है 31 दिसंबर 2021 को खत्म होगा और फिर 1 जनवरी से इसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा जो कि कब तक चलेगा, 2024 तक। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में भी जान लीजिए। इस परिषद का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इससे पहले भी यह परिषद था लेकिन काउंसिल के रूप में ना कार्य करके यही एक कमीशन के रूप में कार्य कर रहा था, यानी कि नाम था इसका पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है और इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने मिलकर किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इनके सदस्य जो है हर देश नहीं होता है, कॉन्टिनेंट से इसके सदस्य चुने जाते हैं। कैसे? देखिए, पूरा फिजिकली जो भी कॉन्टिनेंट है उनके आधार पर चुने जाते हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से टोटल 13 सदस्य हो सकते हैं और 13 सदस्य का जो है चुनाव के आधार पर चयन किया जाता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 13 सदस्य कौन होंगे। एशिया प्रशांत देश से 13 सीटें होती हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज से 8 सीटें, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश से 7 और पूर्वी यूरोपीय देश से 6 सीट होता है। तो कुल कितने हो गए? 13, 13, 26, 26, 8, 34, 34 और 7, 41, 41 और 6, 47 इसके टोटल मेंबर होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भारत को जो है 116 देशों में 101वें स्थान पे रखा गया है और इस जब यह इंडेक्स रिलीज हुआ तो काफ़ी बवाल भी हुआ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ दे। तो इंडिया का रैंक याद रखिएगा 116 देशों में 101वें स्थान पर है। इस रैंक पे बहुत सवाल भी होता है इस तरह के इंडेक्स पे, क्योंकि अगर आप इंडिया की स्थिति देखोगे तो इतनी भी बुरी नहीं है और जब इस रिपोर्ट को खंगाला गया तो इसमें कहा गया कि टोटल जो है सिर्फ 2000 लोगों का डिजिटली सर्वेक्षण करके आप इस तरह का इंडेक्स जारी करते हैं, तो बहुत सारे सवाल भी हैं। फिर भी अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स
कितने देशों में भारत को कितना रैंक मिला, तो 101 रैंक मिला है 116 देशों में। 2021 के संस्करण में भारत को ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे रखा गया है। इस सूचकांक में चीन, ब्राज़ील, कुवैत ये टॉप पे हैं, ठीक है। और टॉप पे जो है टोटल 18 कंट्री हैं, तो जिसमें तीन का नाम याद रखिएगा, चीन, ब्राज़ील और कुवैत, और उन्हें 5 से भी कम का GI स्कोर मिला है। GI स्कोर का कहने का मतलब है कि अगर आपको GI स्कोर 1 मिला जा 0 मिलता है तो आपके कंट्री में कोई भी भूखा नहीं है, इस इंडेक्स में आप सबसे बेस्ट हो। अगर आपको 100 मिलता है तो आप सबसे बुरे हो, यानी कि सबसे वर्स्ट हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बेलारूस, ब्राज़ील, चिली, चाइना ये सब बेहतर स्थिति में है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये 76 नंबर रैंक है इनका, 92 पाकिस्तान का है और 101 जो है वो भारत का है। किस तरह से भारत का रैंकिंग ऊपर नीचे हुआ है आप 2016 से 2021 तक इस ग्राफ के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थू हंग्रीज। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि इस वार्षिक रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेंथू गरेहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रकाशित किया जाता है। पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था और प्रत्येक वर्ष लगभग अक्टूबर के महीने में ही जो है इसे प्रकाशित किया गया है। 4 पैरामीटर्स होते हैं और उस पैरामीटर्स के आधार पर यह जो है भुखमरी सूचकांक रिलीज किया जाता है। अल्प पोषण सबसे पहला, जिसमें न्यूट्रिशन जिस बच्चों में कमी होती है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो उनके वेट के कंपैरिजन में हाइट नहीं बढ़ पाता, वो चाइल्ड वेस्टिंग के कैटेगरी में आता है। चाइल्ड स्टंटिंग, वजन के हिसाब से हाइट नहीं है, ये चाइल्ड स्टंटिंग में आता है। और बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टैलिटी, ये 4 कैटेगरी के आधार पे जो है GHI इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, फेसबुक का जो पैरेंट कंपनी था, पहले तो फेसबुक ही था, जैसे गूगल का पैरेंट कंपनी अल्फाबेट, और वैसे ही अब फेसबुक का पैरेंट कंपनी का नाम जो होगा वो मेटा होगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो फेसबुक के अंडर में कौन कौन से आते थे, फेसबुक आता था, इंस्टाग्राम आता था, व्हाट्सअप आता था, तो अब जो पैरेंट कंपनी है वो मेटा कहलाएगा, बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वैसे ही रहेगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा, फेसबुक INC ने 28 अक्टूबर 2021 को अपना नाम जो है बदलकर, पैरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म INC कर लिया है। और इस मेटावर्स नामक नई सराउंड योरसेल्फ तकनीक विकसित करने के लिए अपनी पद्धता को दर्शाता है। तो किस कंपनी को मेटावर्स का नाम याद रखिएगा, ये मेटावर्स है क्या ये भी याद रखिएगा। तो मेटावर्स जो है एक वर्चुअल वातावरण है जिसमें आप केवल सिर्फ स्क्रीन पर रहकर ही चीज़ों को नहीं देख सकते। सपोज आप एक गेम खेल रहे हो, तो मेटावर्स में क्या होता है, गेम खेलते समय आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी दिया जाता है, एक ऐसा वर्चुअल माध्यम दिया जाता है जिसके माध्यम से आप अंदर चले जाते हो और अंदर जाकर आप गेम खेलते हो। अंदर आप फिजिकली नहीं जाते, वर्चुअली जाते हो, तो उस आदमी की जगह आप वहाँ पर खड़े रहते हो और सामने वाले जो हैं आपसे लड़ रहे होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो मेटावर्स कहलाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी पे जो है इन्होंने अपनी पैरेंट कंपनी का नाम मेटा किया है, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है 16th ईस्ट एशिया सबमिट, आयोजित किया गया 27 अक्टूबर 2021 को और वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया। और इसके साथ ही 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बुर्ने के आमंत्रण पर 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। तो आपको यहाँ पर 2 टॉपिक पे पढ़ाई करना होगा, सबसे पहला ईस्ट एशिया सबमिट क्या है और दूसरा आसियान क्या है। तीसरा जो है ईस्ट एशिया सबमिट हुआ है तो इसके बारे में भी याद रखना होगा। पूछा जा सकता है कि हाल ही में 16th ईस्ट एशिया सबमिट आयोजित किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, या कौन से क्रम का ईस्ट एशिया सबमिट था, या फिर आपसे आसियान के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर भारत आसियान जो सबमिट है, इंडिया आसियान सबमिट, उसके बारे में पूछा जा सकता है, कौन से क्रम का है ये पूछा जा सकता है। और 2 आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ईस्ट एशिया सबमिट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आसियान के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यह शिखर सम्मेलन जो है आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की एक समीक्षा करता है, यानी कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है आसियान कंट्रीज के साथ में, उसकी समीक्षा किया जाता है। और आसियान के द्वारा वर्ष 2022 में भारत को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया आसियान कंट्रीज के द्वारा, कहा गया है
कि भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, कौन से साल में, 2022 में। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और आसियान, भारत आसियान का जो 18वां शिखर सम्मेलन है, किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, बुर्नेई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ईस्ट एशिया सबमिट किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो भी बुर्नेई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आसियान की बात करेंगे। आसियान की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये यहाँ पर इसके टोटल सदस्य 10 हैं, 10 सदस्य इस प्रकार से हैं, आप मैप में देख सकते हो। ईस्ट इंडिया, आप चले जाओ ईस्ट इंडिया में, इस तरह से जो 10 कंट्रीज हैं, म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, सिंगापुर आ गया, मलेशिया आ गया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, बुर्नेई, इंडोनेशिया, और इस बुर्नेई की अध्यक्षता में जो है ईस्ट एशिया सबमिट। और ईस्ट जो आसियान, भारत आसियान की अध्यक्षता करता है और जिसके पास आसियान का अध्यक्षता उस वर्ष होता है, वही जो है ईस्ट एशिया सबमिट की भी अध्यक्षता करता है। तो इस बार आसियान कंट्रीज की जो अध्यक्षता था वो बुर्नेई के पास में था, तो इसलिए ईस्ट एशिया का जो सबमिट हुआ वो बुर्नेई के साथ में हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय समूह है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हो, एक रीजनल ग्रुप इसे कह सकते हो, जो कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है, जो खासकर जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनका ये तीन मोटिव होता है। और इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में किया गया था। आसियान में 10 कंट्रीज हैं, जैसा मैंने आपको नाम बताया, 10 कंट्रीज का नाम आप याद रखिएगा, ध्यान ये दीजिएगा कि भारत इसका मेंबर नहीं है। हाँ, लेकिन भारत एक शिखर सम्मेलन करता है, उस शिखर सम्मेलन का नाम है भारत आसियान शिखर सम्मेलन। अभी जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो 18 शिखर सम्मेलन है। अब आसियान पहले इसलिए पढ़ाया गया ताकि आप ईस्ट एशिया सबमिट को समझ सकें, क्योंकि ईस्ट एशिया सबमिट में जो कंट्रीज शामिल होते हैं उसमें आसियान शामिल होता है। आसियान अगर शामिल हुआ तो इसमें कितने देश शामिल हुए, 10, और इसके साथ 8 अन्य देश भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से आसियान में टोटल 18 देश पार्टिसिपेट करते हैं। अब आसियान कंट्रीज के अलावा ये 8 अन्य देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 8 अन्य कंट्रीज हैं और 10 जो है आसियान कंट्रीज हैं। टोटल कितने हो गए, 18। और अध्यक्षता जो है ईस्ट एशिया सबमिट का किसके द्वारा किया जाता है, आसियान कंट्रीज के द्वारा ही किया जाएगा। ये 8 अन्य देश जो हैं वो इनका अध्यक्षता नहीं करेंगे ईस्ट एशिया सबमिट का। अब ईस्ट एशिया सबमिट भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक रीजनल ग्रुप है, और इसे जो है इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशियन का जो भी रीजन है और पैसिफिक ओशियन का जो भी रीजन में जो भी कंट्रीज रहते हैं उनके बीच तालमेल को बिठाने के लिए ही ईस्ट एशिया सबमिट का आयोजन किया जाता है। ये है आपका ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में रहने वाले देश। तो खासकर एक रशिया बाहर हो जाता है, म्यांमार अगर आप देखोगे, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, तो ये आसियान 8 हो गए, आसियान कंट्रीज हो गए 10, और 8 इसमें पैसिफिक रीजन से या फिर अदर रीजन से कंट्रीज आ जाते हैं। ये है आपका इंडो पैसिफिक रीजन। तो इनके बीच में तालमेल को बिठाने के लिए ही पैसिफिक रीजन में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, तो ये सारे कंट्रीज जो पैसिफिक रीजन से आ जाते हैं। और ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो ये आसियान कंट्रीज आ जाता है, उसके बाद भारत, और इसमें रूस भी शामिल हो जाता है ईस्ट एशिया सबमिट में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसमें आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, तो 25 अक्टूबर 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और इसे करके जाइएगा, रजनीकांत को। 50वां जिसे दिया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, अमिताभ बच्चन को प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए 51वां किसे दिया गया, तो रजनीकांत को दिया गया है, याद रखिएगा। मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेस्ट अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया है। ये सभी फोटो देख लीजिए, फोटो याद रखिएगा, मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत, रजनीकांत और धनुष। रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और इन तीनों को बेस्ट अभिनय के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला गया, तो प्रियदर्शन के मलयालम काल के महाकाव्य मरक्कर लायन ऑफ अ अरेबियन सी को दिया गया है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म थी छिछोरे, उसे हिंदी फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म का
अवार्ड दिया गया है। बस इतना कैटेगरी में आपको याद रखना है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे यही से पूछा जाएगा। इस पुरस्कार के बारे में भी आप याद रखिएगा, भारत में आयोजित होने वाला, भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला फिल्म के क्षेत्र में सबसे बेस्ट पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। 1973 में भारतीय पैनोरमा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ भारत सरकार द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इसे प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रसारित किया जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इसका भी रैंकिंग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग हो जाता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक हाल ही में प्रकाशित किया गया है और भारत 113 देशों में 57.2 अंक के साथ 71वें स्थान पर है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, ये सब जो कंट्रीज हैं वो टॉप रैंकर कंट्रीज हैं। ठीक, इस सूचकांक के बारे में जान लीजिए, क्या है इस सूचकांक का नाम, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो कॉटेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है, जबकि इसे लंदन बेस्ट इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। और इस इंडेक्स को जो है प्रत्येक वर्ष रिलीज किया जाता है। तो ये कुछ अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसे आप करके जाना ही जाना। इतने टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपसे एक नए क्वेश्चन पूछ दे। अब जितने क्वेश्चंस को हमने शुरू में डील किया, आपसे पूछा था, उन क्वेश्चंस का एक बार आंसर मिला लीजिएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई, तो ये शुरू किया गया था 27 सितंबर 2021 को। याद रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत में ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया, ताकि एक पेशेंट का जो पूरा डेटा है एक ही जगह पे रह सके। जब किसी डॉक्टर के पास जाए तो अलग अलग बीमारी के लिए मैंने ये डॉक्टर के पास इस तारीख को गया था, ये डॉक्टर के पास इस तारीख को गया था, सारे फाइल दिखाने के बजाय बस आप डॉक्टर को अपना नंबर दें और डॉक्टर को आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि ये कब कब कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर के पास गया था, कौन कौन सी दवाइयाँ इसने खाई थी। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना का एयर चीफ मार्शल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है V.R. चौधरी को, किनकी जगह पर, राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह पे। अगला क्वेश्चन था, इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है 2021 में, तो भारत का स्थान जो है वो 46th है। इसके बाद जो क्वेश्चन था लास्ट का, किन्हें G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, तो पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्हें जो है हाल ही में G20 का भारत का शेरपा अपॉइंट किया गया है। और G20 का आप एक सवाल है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में G20 सबमिट किस वर्ष आयोजित किया जाना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। और जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे कल यानी कि 24 घंटे के बाद अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां जहां कन्फ्यूजन है PDF से अगर नोट्स बनाते हैं तो जरूर बनाइएगा। आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, 2 से 3 दिनों में आपका नवंबर का भी करंट अफेयर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।